नमस्कार, स्वागत है आइडियल आर्टिफिशियल लिम सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे प्रोस्थेटिक फुट। प्रोस्थेटिक फुट होता क्या है? प्रोस्थेटिक फुट का मतलब है कि आर्टिफिशियल पंजा जो हमारे ओरिजिनल पैर को रिप्लेस करेगा, विद दी अदर कॉम्पोनेंट जो और उसमें कॉम्पोनेंट लगना है। प्रोस्थेटिक फुट घुटने से नीचे, घुटने के ऊपर और घुटने से या टिप बिसार्ट कुल ले सके हुए जो कटे हुए पैर हैं उन सभी में यूज होता है। इसका एक अहम रोल है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, हमारी टीम में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर कौन सा फुट बहुत अच्छा है, किस तरीके का फुट लगे। पेशेंट पूछता है किस फुट में मैं चप्पल पहन पाऊंगा, सैंडल पहन पाऊंगा, नंगे पैर चल पाऊंगा, पानी में चल पाऊंगा, इसमें रेत पे चल पाऊंगा, या मेरे को बारिश में कोई दिक्कत ना हो, या मैं स्विमिंग पूल में चला जाऊँ। तो ऐसे करके हम एक एक सवाल का अलग अलग तरीके से जवाब देंगे। किसी भी ब्रांड का, किसी भी अच्छी ब्रांड का, कोई भी अच्छी ब्रांड का फुट लो आप, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो स्टेबल हो, आपकी वेट कैटेगरी के हिसाब से स्टेबिलिटी देता हो, आपका अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए कि दोनों पैर पे आपको 50-50 वेट लगे। जब आप खड़े हो तो लिंप ना करो, आप एक तरफ को ना झुको, आगे को ना लीन करो, या पीछे की तरफ लीन ना करो, आपको पीछे गिरने जैसा ना लगे या आगे की तरफ गिरने जैसा ना लगे। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट का जो फुट है वो स्टेबल हो और साइज़ बिल्कुल एक्यूरेट हो कि आप नॉर्मल शूज़ पहन पाए या बैली पहन पाए या चप्पल या सैंडल या फ्लोटर इस तरीके की चीज़ें पहन पाए। जनरली प्रोस्थेटिक फुट चार तरीके के होते हैं, मेनली चार तरीके के। एक वैसा फुट जिसको हम सेज फुट बोलते हैं, जिसकी कैटेगरी होती है कि वो सिर्फ नॉन मोबिलिटी, बहुत ज़्यादा मोबिलिटी जिन पेशेंट की नहीं है उनके लिए, ट्रांसफ़र के लिए यूज होता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में या इंडोर एक्टिविटी के लिए यूज होता है। दूसरा जो प्रोस्थेटिक फुट है वो आप जब आप बाहर जाते हो, थोड़ा बहुत आपकी लिमिटेड मोशन मोबिलिटी है, आप थोड़ा चलते हो, ज़्यादा नहीं, जैसे आप दूध लेने के लिए गए या आप थोड़ा मार्केट के अंदर चले गए या पार्क में थोड़ा टहलने के लिए चले गए, उस चीज़ के लिए आप यूज़ करते हो। तीसरा फुट है कि आप अनरेस्ट्रिक्टेड आउटडोर, जहाँ पे आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो, आप कॉलेज गोइंग है, आप स्कूल गोइंग है या आप ऑफिस गोइंग है, इस तरीके की एक्टिविटी को आप एंजॉय करना चाहते हैं। और चौथी कैटेगरी है कि आप कोई रिग्रेस एक्टिविटी करते हैं, या आप सुबह के टाइम में मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, जॉगिंग करना चाहते हैं, स्प्रिंटिंग करना चाहते हैं, या आप दौड़ना चाहते हैं, खेलना कूदना चाहते हैं, वो स्पेशल एक अलग कैटेगरी है, स्पोर्ट्स कैटेगरी में आप यूज कर सकते हैं प्रोस्थेटिक फुट को। तो नॉर्मल जो सेज फुट आते हैं, ये इसकी कॉस्ट का भी बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरीके की कितनी कॉस्ट होगी, एक प्रोस्थेटिक फुट की कॉस्ट कितनी होगी, सर ये कितने का पड़ेगा हमें, मार्केट में हमें 1000 रुपये का भी फुट मिलता है, सेज फुट, एक सेज फुट हमें 7000 रुपये का भी मिलता है। तो फर्क है उस चीज़ में, उस चीज़ का फर्क ये है कि जो नॉर्मल सेज फुट आप लगाएंगे उसमें फ्लेक्सीबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती, मटीरियल सबका सेम है, फोम यूज होता है, रबर जिसको रबराइज मटीरियल बोलते हैं, पेडलिन यूज करते हैं बहुत सारी कंपनी, और उसमें अगर जो लोकल है तो उसमें आप देखेंगे कि जो कील, जो वुडन कील इसमें यूज होती है, वुडन पार्ट जो इसके अंदर लगा होता है वो बहुत जल्दी निकल जाता है, और ये एनवायरनमेंट की वजह से रखा रखा भी खराब हो जाता है, गल जाएगा बहुत जल्दी, उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होगी, और आपको उतना, और उसका जो वेट है जो एक ब्रांडेड फुट है उसके कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा। तो इसकी कॉस्ट 1000 रुपये से लेकर 7-8000 रुपये तक भी मार्केट में है। अच्छी ब्रांड का फुट लेंगे अफकोर्स उसमें आपको डिस्काउंट हो सकते हैं, लेकिन ब्रांड अच्छी होनी चाहिए कोई भी फुट आप चूज करते हैं। उसके बाद में कैटेगरी 2 आती है जिसमें हम बोलते हैं कि थोड़ी मोबिलिटी हमें मिले, जैसे इसके अंदर तो सिर्फ ये पंजे की मूवमेंट होती है और ये हील थोड़ा कुशन होता है, इसलिए इसका नाम सेज फुट है, कुशन हील है, एंकल सॉलिड है। दूसरा जिसमें हम एक्टिविटी उस तरीके की करते हैं कि ये हमें आर्टिकुलेटेड फुट बोलते हैं इसको, जिसमें एंकल मैकेनिकल एंकल लगा होता है, एंकल की मोबिलिटी मिलता है, ये बहुत ही अच्छा फुट है। जो ओल्ड यूजर है या जो मिलिट्री टाइप के यूज करते थे लोग उस टाइप के लिए, या जिनका बजट कम है, थोड़ा सा हैवी है, लेकिन अगर आपकी फिटमेंट बहुत अच्छी है तो आपको हैवी नहीं लगेगा, बट अच्छा फुट है, एंकल की मोबिलिटी विजिबल होगी, आर्टिकुलेटेड है, एनर्जी रिटर्न नहीं देता है, इसकी कॉस्ट भी मार्केट में 6000 से लेकर 12-15-20 हज़ार रुपये तक की कॉस्ट रहती है, ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। ब्रांड इसमें भी फायदा देता है कि अगर आपने लोकल लगाया तो आवाज़ करना शुरू करेगा, जब आप चलेंगे तो आपको नॉइज आएगी, जो आप
बड़ा ऑकवर्ड फील कराती है पब्लिक प्लेस में, या आप जब भी किसी साइलेंट एनवायरमेंट में चलते हैं तो बड़ा ही आपको अच्छा नहीं महसूस होता उस तरीके के चलने के लिए। फिर रेंज आती है, ये दो हो गया, एक नॉन आर्टिकुलेटेड एक आर्टिकुलेटेड। फिर कुछ एनर्जी रिटर्न फुट आते हैं, एनर्जी रिटर्न जिसमें कि हम पैर जब रखेंगे, हील स्ट्राइक जब करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो वो हमें थोड़ी पुश बैक देता है, एनर्जी को रिटर्न करता है। जैसे ही हम हील स्ट्राइक करते हैं, हील स्ट्राइक करने में वो एनर्जी को कंजर्व करता है, और जब हम मिड स्टैंड से आगे की तरफ को जाते हैं, फ्लैट फुट करते हैं, पंजा जब जमीन पर टिका होता है, उसके बाद में वो एनर्जी रिलीज करता है ताकि हमारा ऑक्सीजन कंजप्शन कम होता है। तो फुट बहुत बड़ा क्राइटेरिया है ओल्ड एज पेशेंट के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए, किडनी रिप्लेसमेंट पेशेंट के लिए, कोई भी कार्सिनोजेनस किसी को डिजीज हुई है उस पेशेंट के लिए, या जो भी जनरल फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए फुट का बहुत बड़ा रोल आता है। कई फुट के फुटशेल को अगर हम डिस्क्राइब करें, फुटशेल बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं। उसी कैटेगरी में जो हमारे फुटशेल है वो जैसे नैरो सैंडल, नैरो टो बॉक्स के साथ में आते हैं, या वाइड टो बॉक्स के साथ में आते हैं। ये नैरो है, ये वाइड है, बट स्प्लिट टो है। तो हर ब्रांड का फुटशेल अलग अलग होता है। सपोज आपका फुट साइज 26 है तो किसी ब्रांड में वो आपको 26 नहीं 25 यूज करना होता है, और किसी में सेम यूज करना पड़ता है। ये अलग तरीके का नैरो है बट अगेन स्प्लिट टो है। तो ये चप्पल पहनने में आपको हेल्प करता है, थोड़ा सा सुंदर दिखता है कंपैरेटिवली। फिर ये एक दूसरी कैटेगरी का फुट आता है जिसको हम कार्बन फुट बोलते हैं, और सेल्सियस नाम है, ब्रांड पे मैं नहीं जाऊंगा बट सेल्सियस। इसमें हम मोबिलिटी देखते हैं कि हील हमारा कंप्रेस होता है जब हील स्ट्राइक करते हैं आगे की तरफ, कि हमारा पैर ऐसे और ऐसे और ऐसे ऐसे, मतलब चार डायरेक्शन में काम करता है, 1 2 3 4, ये फोर मूवमेंट इसके अंदर आती है। ये फुट की कॉस्ट लगभग 40-50 हज़ार से लेकर और 70-80 हज़ार रुपये तक की इस तरीके की मूवमेंट के फुट आते हैं अलग अलग ब्रांड के। फिर अगेन ये एक ट्रिब्यूट फुट है, इसके अंदर सिक्स मूवमेंट है, इसमें रोटेशन ऐड हो जाता है, ट्रांसवर्स रोटेशन, इन और आउट, ये मूवमेंट ऐड हो जाती है। जबकि ये भी एक तरीके का मैकेनिकल प्लस एनर्जी स्टोरिंग कार्बन फुट है, कि इसकी एनर्जी कंपेरेटिवली जो मैकेनिकल एंकल है उससे ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन आप देखेंगे तो इसके बम्पर वगैरह 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर चेंज करने पड़ते हैं, तो थोड़ी सी मेंटेनेंस मांगता है, बट अच्छा फुट है। जिसका शॉर्ट स्टंप होगा उसको इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उस कैटेगरी में हमें मीडियो लेटरल स्टेबिलिटी नहीं मिलती कई बार, तो ये वहाँ पे यूज नहीं होता है। जिनके छोटे स्टंप हैं वहाँ पे इसको हम यूज नहीं करते हैं, जिस पेशेंट के छोटे स्टंप हैं। और अब दूसरी कैटेगरी में जाएंगे जो थोड़े ज़्यादा, ये इनिशियल एनर्जी रिटर्न फुट बोले जाते हैं, लेस एनर्जी रिटर्न है, इनमें हाई एनर्जी या मीडियम एनर्जी रिटर्न है, क्योंकि इसकी कील लंबी है और इसमें आप देखेंगे तो ब्लेड 3 है, 1 2 3, तो ये इनिशियल इंटरमीडिएट और हाई एक्टिविटी के लिए यूज होते हैं। पेशेंट इसके साथ रन भी कर सकता है। हरी ब्रांड में आते हैं इस तरीके के फुट, ये स्पेसिफिकली वेलोसिटी है कॉलेज पार्क का, बहुत अच्छा फुट है, लगभग 1.5-2 लाख रुपये से लेकर 2,10,000 रुपये तक के इस तरीके के फुट आते हैं। इसमें आप थोड़ी जॉगिंग या थोड़ा ज़्यादा चलना, इसमें आपका एनर्जी कंजप्शन कंपेरेटिवली कम होता है। सेम एनर्जी कंजप्शन के साथ में आप चल सकते हैं, मतलब सांस कम चढ़ेगा, थकावट कम होगी, तो इसमें आप बहुत अच्छे से चल सकते हैं। इससे ज़्यादा एनर्जी रिटर्न ये फुट करता है, बट हमें देखना है कि अगर हम लाइनर लॉक लगा रहे हैं तो उसमें फिटमेंट कि हमारे पास स्पेस कितना बचता है, इसमें लगभग 24 से 25 सेंटीमीटर का स्पेस होना चाहिए लाइनर लगा रहे हैं तो लॉक के बाद में, कि फिटमेंट हमें फिटिंग स्पेस उतना मिलना चाहिए। कई जगह हम इसको फिट नहीं कर सकते, जहाँ पे लेस एनर्जी लेस स्पेस होता है वहाँ पे इस तरीके के फुट यूज होते हैं। और मैं सिमिलरली ये आपको दिखाना चाह रहा था कि आप लोग शेप देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसकी शेप देखेंगे तो बड़ी अच्छी और बड़ी वो लग रही है सुंदर, बट ये बहुत अच्छी ब्रांड का फुट नहीं है। तो ऐसे हमने एविडेंस देखे हैं, हमने बहुत बार लोगों से हमारे पास मार्केट करने के लिए आए और हमने यूज किया, बट इसके कई बार ये अडेप्टर टूट जाते हैं, कई बार इवन यहाँ से ये नट बोल्ट ही खुल जाते हैं। तो सावधान रहे, इस तरीके की ब्रांड का या स्ट्रक्चर का फुट ना यूज करें, कोई भी प्योर जो अच्छी ब्रांड है उसी को आप यूज करें। दिस इज ऑल अबाउट दी प्रोस्थेटिक फुट। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप मैसेज करिए, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं।
पर्सनलाइज हर किसी पेशेंट के लिए अलग अलग तरीके का फुट है। एक मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ जो स्पेशल कैटेगरी या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए फुट यूज होते हैं। दिस इज स्प्रिंटर जो स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए फुट है औसर, और आपने देखा होगा सुमित एंतिल, वो हमने कभी प्रचार भी नहीं किया बट वो हमारे यहीं से फिट हुए हैं जो पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीते हैं जिन्होंने, उनके पास हमारे दो प्रोस्थेटिक फुट है, वो यहीं से यूज करते हैं क्योंकि उनके कुछ टर्म्स कंडीशन है, हम कहीं भी उनको पोस्चर या उस तरीके से विजिबलाइज नहीं करते, बट ऑफकोर्स वो यही यूज करते हैं हमारा ओसर का, और फिटमेंट क्लिनिक यही है आइडियल आर्टिफिशियल लिम सॉल्यूशन। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी हो, थैंक यू वेरी मच, यू कैन कनेक्ट विद अस एनी टाइम, थैंक यू।